चेला गाड़ी देखकर बड़ा खुश हुआ गाइस। सनी काट फटाफट। अब ये हम कुंडिया लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ता बांधने के लिए कुंडिया जरूरी है। अब छेद डालने की टेक्निक है इसको पता हूँ, तो इन कुंडियों को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन कुंडियों को लगाने का क्या फायदा है, ठीक है। व्हील कवर अपने लग चुके हैं गाइस। भाई देखो डे नाइट सर्विस देते हैं। टायरों में भी ये वाइल्ड स्टोन का पाउडर डालते हैं गाइस। 90 डिग्री टेम्परेचर में कपड़ा मार रहे हम कपड़ा। ये देखो हल्की हल्की धूल है ना, अभी पर इसको साफ करके छोड़ूंगा। इस देखिए अपना चेला लग चुका है यहाँ पर गाड़ी साफ करने। हाँ, जो इसमें लगेगा आगे तरपाल लगाना भाई सबसे मुश्किल है। 1 2 3 4 देखो दोस्तों ये कितना प्यार करता है गाड़ी से। यार मेरे गाड़ी का शीशा जरा साफ करके। लेदर अभी नए है बोला, इसलिए धुआं निकल रहा है। नमस्कार दोस्तों, कैसे सभी? उम्मीद है कि सभी बड़े होंगे और कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं भाई पदम झांसकर अपना जो है कारगिल, ठीक है। तो सीमेंट लोड है गाड़ी में, आपने देखा ही होगा पिछले ब्लॉग में। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है, मतलब हमारा जो कारगिल सीरीज का फर्स्ट एपिसोड होगा आज। सबसे पहले तो गाड़ी को तरपाल डाल दिया रात को, तो ये जो तरपाल है ना जो डाली हुई है इसको निकालना है फिर से, क्योंकि मैंने कुंडिया नहीं लगवाई हुई है। तो ज्यादा बताऊंगा नहीं, पहले चलते दुकान में फिर बताऊंगा आपको कि क्यों और कैसे क्या काम करवाना है। पहले तो कुंडिया बेल्ट करनी फिर निकलवाए मेरे को यहाँ से। तो गाइस सारी बातें हम दुकान पे ही करेंगे, और जो टायर टूर है भी बनाने को, टायर भी बनाने मैंने। गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने तेजू भाई और गुलफाम भाई की दुकान पर। यहाँ देखो अपना चेला भी आया हुआ है फुल पावर। मोनू जी आए यहाँ चाय पी रहे सुबह सुबह, इनको खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं था। तो अभी देखो कितनी सिंगल पसली है इसकी, इससे इतनी बढ़ रही है दोस्तों। गाइस इस बच्चों को देख रहे आप, 24 घंटे से बंदे को खाने का काम होता है। यस, चेला गाड़ी देख कर बड़ा खुश हुआ गाइस। सनी काल फटाफट सारा कट दे। चाप भी लिया दे गाइस। तेजू भाई बेल्डर अपने देख सकते हैं आप, ये हम कुंडिया लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रास्ता बांधने के लिए कुंडिया जरूरी है। तो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि इस कुंडी का क्या काम है, ठीक है। अभी पहले इनको लगा लेते हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। रस्सा चेले ने सेट कर दिया, देखो चेला बिच लेने का ड्राइवर फुल पावर। दो रस्से गाइस हमारे पास, पीला कलर का रस्सा, पीला कलर का तरपाल। भाई तो फेमस बंदे है बबलू भाई को जरूरत नहीं बताने की, क्यों भाई। ये हमारे पेंटर भाई है, ये हमारे गुलफाम भाई। अभी देखो छेद डालेंगे यहाँ बढ़िया वाला। और ये गाजी इनकी दुकान का बोर्ड और ये नंबर, आप लोग इस पे फोन कर सकते हो। अब छेद डालने की टेक्निक है इसको पता हूँ क्यों लगा रहे, क्योंकि सेंटर आएगा बिल्कुल, समझ रहे हो, इसलिए लगाते हैं इसको। बाकी प्रोसेस आपको बताते रहेंगे, तो इन कुंडियों को मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इन कुंडियों को लगाने का क्या फायदा है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जस्ट कुंडी वगैरह लगा के फ्री हो गया हूँ यार, पसीने देख सकते हैं भाई कितने बुरे हाल हो गए गर्मी में। तो ये जो पूरी अभी मैं जा रहा हूँ टायर में पाउडर डालने, जो कि जरूरी काम है, हल्का हल्का बताऊंगा आपको, फिर लास्ट में एक डिटेल में समझाऊंगा कि मैंने क्या और क्यों क्यों किया। अभी देखो मैं जीडी से निकल गया हूँ, व्हील कवर अपने लग चुके हैं गाइस। राहुल भाई ब्लॉग में आते हुए गाइस। तो अभी लग रहा है गाड़ी में जैक। ये हमारे राहुल भाई देखो डे नाइट सर्विस देते हैं फुल पावर, चाहे लोड हो गाड़ी चाहे खाली, जैक लगने में कोई कमी नहीं होगी गाड़ी, कोई सीन नहीं। खाली गाड़ी लाओ चाहे लोड गाड़ी लाओ। तो टायर इसलिए निकाल रहे क्योंकि इनमें डालना पाउडर, जो कि बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि टायर थोड़ा ट्यूब टाउ जो है अंदर से सेफ निकलते है, अगर कभी निकालने हो पेंचर होकर तो ट्यूब चिपक जाती है अंदर ही। अब चलेगी फ्री फायर वाली AK-47, कोई सीन नहीं मतलब। मैं तो गाइस ये हमारे चाचा जी हैं, ये बहुत ही ब्रांडेड काम करते हैं। देखो टायरों में भी ये वाइल्ड स्टोन का पाउडर डालते हैं गाइस। आप आ सकते हैं रोआड़ू में, बहुत अच्छी सर्विस है चाचा की, पर चाचा की ऐसी डीलिंग ठीक है, चाचा को नहीं प्रमोशन की जरूरत है। ये देखो गाइस वाइल्ड स्टोन पाउडर। गाइस 90 डिग्री टेम्परेचर में कपड़ा मार रहे हम कपड़ा। ये देखो हल्की हल्की धूल है ना, और दाग लगे हुए छोटे छोटे।
एक बार मिल जाएंगे, इसको दो बार मारना पड़ेगा कपड़ा। जैसे एक बार हल्के हल्के दाग गए, फिर दूसरी बार भाई समझ सकते हो भाई, जब मैं ड्राइवर ही था तो कितनी साफ रखता था गाड़ी, अब तो भाई मेरी अपनी है तो अब तो आप समझ ही सकते हो कैसी केयर होगी इसकी। बच्चा अपना बच्चा भाई, ये देखो भाई, गई लाइट है। शिट यार, तो गई लाइट चली गई है। ऐसा ना हो कि मैं यही रह जाऊं, पसीने देख ही सकते गाइस आप मेरे भाई, पर इसको साफ करके छोड़ूंगा। देख लो भाई, पूरे में मांगूंगा भी कपड़ा। देखिए अपना चेला लग चुका है यहाँ पर गाड़ी साफ करने, पहले दिन बहुत संस्कारी चला। देखो चप्पल उतार के चढ़ा गाड़ी पे। ये देखो गाइस, मेरे से मिलने आया स्पेशल, ये इसकी भी लो। तो गाइस सारा काम हो चुका है, अब हम जा रहे हैं आयशर एजेंसी, वहाँ पर थोड़ा सा काम करवाते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं इसमें ओरिजिनल वाला, क्योंकि यूरिया फुल करके जाना पड़ेगा, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता गाइस पदम में। तो दोस्तों एजेंसी का काम हो चुका है, अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं भुंतर बाजार तक, मोनू भाई मिलेंगे हमें कुल्लू में। तीन गाड़ियाँ आ रही हैं पीछे से, एक मैं हूँ, दो गाड़ी और आ रही है, तो आगे जाके हमारे को थोड़ा सा काम करना, बिल्कुल थोड़ा सा। कूलर लेना मैंने अपने को पानी का, और जो निशु भाई है, निशु भाई को निकर वगैरह लेनी है बोला, तो मैंने कहा चलो लेते हैं निकर भी। हाँ जो इसमें लगेगा आगे, कहाँ पर है, हमने ले लिया है एक निकर और दो कूलर, तो अभी निशु भाई चले आगे, मैं पीछे पीछे। सिलेंडर भी ले लिया जो कि आपने देखा होगा, अभी बाकी लेना रहा हमें चूल्हा राशन, तो बस उसके बाद हम नॉन स्टॉप निकलेंगे। दो गाड़ी हमारी आगे निकल गई, अभी वाशिंग में थोड़ा काम है, तो अभी नाग चला बर्तन जो है अपना शमशी में, वहाँ पर लेंगे अभी चूल्हा। तो बस तीन जगह रुकना हमने, फिर सीधा सूटो सूट गायब, तेल डाल के मनाली में सीधा फुल टैंकी करके, फिर मिलेंगे आपको नाइट के सफर में गाइज। तो बने रहें इस सीरीज में, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है गाइज, तो लाइक शेयर कमेंट करें और बने रहें। बस शायद ये ब्लॉग तीन चार दिन बाद भी आ सकता, बट जब ये ब्लॉग आएगा ना सभी को बहुत ज़्यादा मजा आएगा, बने रहें ब्लॉग में। तो चैनल पर नए चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो दबा के शेयर और लाइक भाई। चलो थैंक यू सो मच। निकल गए यहाँ से, बर्तन वगैरह नहीं ले लिए, ये देख लो कुकर, बाकी सिलेंडर वगैरह तिल वगैरह भाई के पास है, राशन लेना है। अब निकलेंगे हम सीधे जहाँ पर मोनू भाई और जो दूसरा उस्ताद रुका है वहाँ पर मिलते हैं गाइस, और सीधे राशन पानी लेते हैं। पानी का कूलर भी ले लिया, पानी वगैरह भरते हैं, पर ना अपना चार्जर चूर्जर सब कुछ पा दिया गाइस। चलो मिलते सीधा आपसे आगे। तो एक गाड़ी वहाँ, एक गाड़ी यहाँ, और एक गाड़ी यहाँ, इसको डाल रहे तरपाल, क्योंकि इसमें तरपाल नहीं है, डाला हुआ गाइस देख लो, ये पैकिंग करे स्पोर्ट के लिए ताकि फटे ना। बाकी वहाँ है गाड़ी में, इसमें भी तरपाल है। तरपाल लगाना भाई सबसे मुश्किल है, और एक बंदे का काम बिल्कुल भी नहीं है, इसमें चाहिए दो बंदे कम से कम। और बिल्कुल सेटिंग करके देखो ये, और यहाँ पर डालना है बिल्कुल गत्ते या कुछ बोरी वारी, क्योंकि ये फटे ना, क्योंकि यहाँ कोना था बहुत तीखा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस। बाकी सेट करके 5 मिनट लगते हैं इसको, लाख का माल है ताकि खराब ना हो। ये तरपाल डाल के अपनी गड्डी तैयार है, बर्तन ले लिए हैं, गैस सिलेंडर ले लिया है, गाड़ी के टायरों में पाउडर डाल दिया, हवा चेक कर दी, ब्रेक उठा दी, तेल पानी चेक कर लिया है, डीजल डाल दिया है, अभी मनाली में फुल होगी टैंकी फिर से, फिर तांदी में डालेंगे फिर से। बाकी तीनों गाड़ी अभी साथ है, बस चौथी गाड़ी को मिलना है राशन लेना और सीधे गायब। तो अभी हम मनाली पहुंचने ही वाले हैं गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पर पतली पुल में। यहाँ देखो भाई बैलून वगैरह उड़ रहे हैं, बैलून वगैरह उड़ रहे हैं यार, मैं थोड़ा ऐसा देसी टाइप बोलता ना तो माइंड मत करना यार दोस्तों। रोड एकदम बढ़िया है, पीछे सारी अपनी दोनों गाड़ियाँ, एक दो तीन चार, चार चार गाड़ियाँ गाइस एक साथ देख सकते हैं आप। ये अपनी बिल्लो है, ये मोनू भाई की, ये दोनों पीछे वाली नीचे भाई की भाई। तो हम जा रहे हैं गाइस पदम। तो गाइस आपको कैसी फीलिंग आ रही है? गाइस हम जा रहे हैं पदम, चार गाड़ियां होगी इकट्ठी, तो ऐसा है कि लेकिन बच्चों ने बहुत लेट करवा दिया है अपना निशु भाई, तो फिर आपको पता है ये अपने निशांत सोल जी। ये गाइस कैंपर,
पानी का ड्राइवर फीलिंग गाइस। गाइस अभी हम 14 मील में, चेलू अपने साथ है, मोनू भाई है, निशु भाई है, कालू भाई है, चार गाड़िया भाई, चार गाड़िया एक साथ जा रही है। और अभी हम यहाँ सेटिंग कर ले, मैंने कूलर में पानी भर दिया, देख लिया हुआ आपने, बाकी गाड़ी एकदम ओके है, टायर टूर का एकदम चेकअप हो चुका है, चार गाड़ियाँ जा रही है। हम जा रहे कारगिल पदम, तो आज रुकेंगे हम दारचा, दारचा में हमारा नाइट होगा। सबसे पहले तो यहाँ की ब्यूटी चेक करो यार गाइस, मनाली की ब्यूटी के यार कुछ अलग ही बात है मनाली की ब्यूटी की। तो चलो गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, सेटिंग शूटिंग करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, और बाकी की बातें रस्ते में आप देखते रहो, इंजॉय करो यार ब्लॉग को। ये कारगिल का एपिसोड नंबर 1 है, किसी तरह से आपके लिए कम से कम 20 एपिसोड बनाएंगे अच्छे अच्छे वाले, तो बताएंगे आपको रास्ते में ड्राइवरों के साथ क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखते हैं कहीं कहीं तो रोड खराब भी हो बोला, चलो चेक करते हैं, पहली बार जा रहे देखते हैं, मिलते गाड़ी थोड़ी देर में जा रहे। दोस्तों घर में कभी बर्तन धोए नहीं इसने, यहाँ देखो सिलेंडर धो रहा है। वारा भाई ऐदा का छले ना, देख रिलैक्स, तेरे को ज्यादा जल्दी लगी है ना जाने की, वारा यहाँ से दारचे तक भाई रिलैक्स फील होगा तेरे को। पौनक कैब ने बिड़ा कपड़ा माना, देखो दोस्तों ये कितना प्यार करता गाड़ी से यार, मेरी गाड़ी का शीशा जरा साफ करके आ रहा है, ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा आपको, मेरे साथ ही ऐसे बंदे देखो, बिल्कुल मेहनत, देखो भाई की मेहनत, शाबाश शाबाश चले। पिछले जन्म में पता नहीं मैंने क्या कर्म किए थे जो तू मेरे साथ है यार भाई। बिल्लो चमक चुकी है गाइस, जूते उतार के दोस्तों मनाली तो गए पहुंचे, पर यहाँ देखो जाम भाई कसम से खतरनाक वाला, तो यार यही पंगा है मनाली के जाम का, पानी देखो कितना बढ़ गया है, जब यहाँ पानी बढ़ता ना तो इसका मतलब सोच लो आपकी गर्मी कितनी ज्यादा है, मेरा गला फंस गया यहीं पर यार, आगे पता नहीं क्या होगा। चलो गाइस अभी मनाली पहुंच गए, मनाली से आगे जाना हमने बांग, बांग या अपने यार वशिष्ठ वहां पर लेते हैं कुछ तेल भी डालना, वशिष्ठ में टैंकी फुल करनी है, तेल थोड़ा कम हो चुका है, बाकी चलो पंप पे ही मिलते हैं वापस, बाकी सामान लेना खाने का। तो तगड़े वाला जाम भाई, सीजन लगा सीजन भाई, ओ मनाली है मनाली, जाम मिलेगा जाम, चार हो रानियां साथ में चलिए भाई, ओ चार हो रानियां बिल्कुल फुल पावर, बहुत मजा आ रहा दोस्तों यार इस ट्रिप में, बहुत मजा आ रहा कसम से, उम्मीद है कि आप सभी को भी मजा आ रहा होगा। मनाली से बांग गाइस, यहाँ तो मोटा ही भीड़ है भाई, मोटा ही जाम कसम से, यहाँ सब्जी कहाँ लेनी हमने यार, हमें तो मतलब पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिल रही है, तो अभी पेट्रोल पंप पे जाएंगे अग्गे वाले पे, बांग वाले पेट्रोल पंप पे डालते तेल फिर देखते वाला। टूरिस्टों से परेशान, तो गाइस क्या करें यार, यहाँ अगर टूरिस्ट आएंगे तभी हमारी रोजी रोटी चलती है यार गाइस, तो बस सभी भाइयों से यही है कि टूरिस्ट को यार ज्यादा बोलना ना करें, क्योंकि अगर यहाँ टूरिस्ट आना बंद हो जाएगा ना भाई हमारा काम नहीं चलेगा। देखो भाई इन बाइक वालों को देखो कितनी जल्दी लगी है भाई यार, एक लाइन में चलेंगे ना भाई जाम ही नहीं लगता कसम से, कोशिश करेंगे दोस्तों एक ही लाइन में रहें। डीजल डाल रहे गाइस बांग में, फुल होने का क्या बने, तो दोस्तों हम आए यहाँ पर सामान लेने, ये हमारे अंकल जी बहुत ही अच्छे आदमी है, काफी सपोर्ट करते हैं हमारे को गाइस, एक बंदे की दुकान, बंदे की दुकान नीचे ये वाले बटर के पैकेट मांग रहे थे हम छोटे, उस बंदे ने दिए भाई, वो बंदा बोल रहा है पूरा डब्बा ही पड़ेगा लेना, डब्बे का हमारे वहाँ काम ही नहीं है, तो अंकल ने हमारे को खुले दिए जितने मार्को चाहिए थे, और हम दोनों पी रहे लस्सी, और बाहर देख सकते हो भाई चौकड़ा खड़ा, चौकड़ा दोस्तों। तो गाइस सारी तैयारी हो चुकी है, हमने राशन पानी चावल न्यूट्री मैक्रोनी जो भी है मिर्च हल्दी नमक तेल सब कुछ ले लिया है, भांडे बर्तन गैस चूल्हा चारों गड्डिया चली है, एक बाल्टी हमने 20 लीटर की डाली है पानी की, बाकी थोड़ा 5 लीटर पानी मेरे पास है, 5 लीटर निशु भाई के पास है, तो 5 लीटर इस बीच वाली गाड़ी में। तो गाइस
अब हम चले हैं रातों रात, देखो हम पहुंच गए यहाँ पर अपने बांग से थोड़ा आगे। तो मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि रात का आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, बाकी हम बीच बीच में जहाँ जहाँ रुकते रहेंगे आपको बताते रहेंगे, बीच बीच का हम बताते रहेंगे कहाँ कहाँ पहुंचे, कहाँ कहाँ कैसे हुआ। बाकी सुबह निकलना हमारे को कारगिल के लिए, अभी बताएंगे भी आपको कि रात को कहाँ स्टे होना है। तो बस बने रहें दोस्तों ब्लॉग में, आपको बहुत ही मजा आने वाला है गाइस इस फर्स्ट एपिसोड में। बिल्लो चलिए गाइस, बिल्लो दोनों बिल्लो एक साथ। फाइनली गाइस अटल टनल पर। दोस्तों मैं ऐसे बोलता हूँ यार, मेरी बात तो ज्यादा यकीन नहीं करना। तो गाइस यहाँ से जाना हमारे को लेफ्ट, राइट साइड को गया काजा, लेफ्ट साइड को गया भाई कारगिल। कारगिल है यहाँ से 450 किलोमीटर। देखते आप गाइस सफर बहुत घना है, गेड़ा तो देंगे भाई। आपको पता जब लोगों की गाड़ियों में हमने गेड़ा रखा, अपनी गाड़ी में क्यों नहीं रखेंगे। लोगों की गाड़ी हमने डे नाइट चलाई, अपनी भी चलाएंगे। अब भाई अब कमाने का टाइम है दोस्तों, अब कमाएंगे औरों की गाड़ी में कमाएंगे, अब खुद की गाड़ी में कमाएंगे। चलो गाइस मिलते हैं भी सुबह वहाँ, शायद खाना खाना हमने। तो गाइस अब लगा रहे हैं हम जुराबे जुरूबे ना, इधर हो गया ठंडा लो और लगा लेते हैं, क्योंकि आपको पता भाई सिसु इलाका है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठंड है ना बहुत। जैकेट जुकेट पहन लेते हैं अब, क्योंकि जैकेट क्या शर्ट पहन लेता हूँ मैं, अगर टी शर्ट गर्म बुलन वाली अगर इससे हो गया तो ठीक, नहीं तो जैकेट भी अपने पास, कंबल भी है पड़े हुए। तो ये है गाइस ड्राइवर लाइफ नए नए एपिसोड। तो गाइस सिसु की हसीन वादियों में अभी दिखेगा नहीं कुछ भाई, ऊपर टॉप पे बर्फ है, सुबह दिखाएंगे आपको फुल पावर बर्फ। मोनू भाई की गाड़ी नीचे है तो बस यहाँ पर ले रहे भाई अभी खाने खुने को कुछ, शायद यहाँ पर डिनर हो रहा हमारा, मेरे को पता नहीं है। तो बिल्लो बिल्कुल स्टार्ट है, खाना खा के हो चुके हैं फ्री, अब निकल रहे हैं यहाँ से सीधा केलांग के लिए। अगर केलांग में और कुछ सोने को मिल गया तो वहाँ सोएंगे, अगर नहीं मिला तो वहाँ से आगे जाएंगे। वैसे टाइम हो गया 11:37, अभी मेरे को लगता है डेढ़ एक घंटा हम गाड़ी चला सकते हैं, देखते भी कहाँ तक जाते हैं। तो मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर में, बाकी मेरे को थोड़ी नींद भी लगने लग गई है, अब चलो देखते क्या बनता है उस हिसाब से करते हैं गाइस। रात के बज चुके हैं भाई 12 और हम चल पड़े हैं अब तांदी की ओर। खाना खुना खा के हो गया फ्री, थोड़ी देर रेस्ट किया, बाकी देखते हैं अब दोनों गाड़ी आगे चली है, मैं पीछे और जो मोनू भाई है वो सबसे आगे चले हैं। तो मैं सबसे लास्ट इसलिए चलाऊँगा क्योंकि मेरी नई गाड़ी है, ज़्यादा खींच नहीं रही है इसलिए, तो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं है। तो ये आगे आगे चले और मैं इनके पीछे पीछे। तो चलिए गाइस अब मिलते रहेंगे आपसे, तो इनको देख कैसे लग रहा है जैसे रेस लगा रहे हैं, रेस यार का सीधे मुट्टे भागे। तो भाई बहुत मजा आ रहा गाड़ी चलाने का यहाँ रात को, दिन को तो बहुत गाड़ी होती पर रात को खुला रोड एकदम बढ़िया। अभी तक का सबसे डेंजरस पॉइंट उतराई ही उतराई, और यहाँ यार अगर हवा चली हो ना थोड़ी सी जोर से भी तो यहाँ बहुत ज्यादा पत्थर गिरते हैं भाई। देखो भाई ड्राइवर लाइफ इतनी भी आसान नहीं है, बहुत से लोग हमारे को जो है डायलॉग मारते हैं ऐसा कि सीट पे ही तो बैठे होते हैं भाई, पूरा दिन रात चलना पड़ता है यार। देखो आप सभी देख ही सकते हो, मतलब ये तो हमने खाना बनाने का सिस्टम डाला हुआ है ऐसे, मतलब कोई गारंटी नहीं है खाने को मिलेगा कि नहीं, पानी मिलेगा या नहीं, हमने तो पानी वगैरह सब कुछ देखो आपको पता है पूरा जुगाड़ करना पड़ता है ड्राइवर को। तो इसलिए बस मैं इतना ही बोलता हूँ दोस्तों, ड्राइवर की रिस्पेक्ट करो यार और कुछ नहीं। तांदी ब्रिज गाइस, तांदी ब्रिज क्रॉस हो चुका है। फायर टायर में कि सिलेंसर में, टायर में लग रहा मेरे को आ रहा तेरी तो नई गाड़ी है ना लेदर की बात है ऐसी आएगी तेरी गाड़ी में चल रहा हो वो ग्रीस गिरी ना उसमें सिलेंसर में। तो मेरी गाड़ी में क्या चल रहा है, लेदर अभी नए है बोला इसलिए धुआं निकल रहा है क्योंकि ब्रेक तो भाई लगेगी क्योंकि इतना लोड है ऊपर से मरना पे नहीं अब। तो इसलिए निशु भाई ने बोला आ जा तू कोई चक्कर नहीं है, मैंने मोनू भाई रखा पीछे चला के, मैंने बोला कोई गच पचोगे तो मेरे को बताई,
चलो मजे मजे चलते। वैसे टायर मैंने चेक किया, उतना गर्म हुआ नहीं था। वैसे नए नए लेदरों की धूल होती है ना अंदर गाइस, वो जल जाती है। कोई पता नहीं किस्मत का यार कब कहाँ कुछ हो जाए। ड्राइवर लाइन है, गाड़ी है, कुछ नहीं बोल सकते। पहुंचने ही वाले गाइस, जस्ट बस 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर रहा हमारे। दोस्तों यहाँ पर अपनी चारों बिलो हो चुकी है खड़ी और पेट्रोल पंप है भाई बंद। जाएंगे सुबह लेट, अगर हम यहाँ रुकते हैं, अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हमारे साथ हो जाएगा कलोल। तो हम सोच रहे थे कि हम निकलते हैं यहाँ से, अभी स्कीम बढ़ाते हैं और देखते हैं जरा। वैसे हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए हम सभी ने स्कीम बनाई है। हम निकलते हैं यहाँ से, हमने कैन डाली हुई है तेल की, तो आगे जाके हम अगर जरूरत पड़ेगी, वैसे जरूरत पड़ेगी तो हम कैन से डाल देंगे तेल। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम सुरूर बन गया गाड़ी चलाने का और नींद भी नहीं लग रही है। तो सफर कवर करने से अच्छा ही क्या ही होगा मतलब। चलो दोस्तों मिलते हैं अब सीधा आपसे जिस्पा वैली, बीच बीच में मिलते रहेंगे। अभी हम केलोंग में हैं, तो यहाँ नीचे केलोंग है अभी, मतलब दिन होता तो मैं दिखाता आपको, वापसी वाले ब्लॉग में आपको जरूर दिखाऊंगा जिस्पा वैली। तो हम जिस्पा पहुंच चुके हैं, रात का सफर बहुत सही है दोस्तों, एकदम कोई गाड़ी नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं मिली हमें। यहाँ देखो कैंपिंग, भाई कितनी प्यारी कैंपिंग है यार गाइस। तो गाइस ये है असली जिस्पा वैली, और यहाँ से है मतलब कि दारचा सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर। दारचा पहुंच गए गाइस, और यहाँ पर ट्रक की ट्रक लगे हुए देखो, क्योंकि ले के लिए शायद 2 दिन बाद छोड़ेंगे, इसलिए ये यहीं पर है। ये है दारचा पुल, अब हमें पता नहीं कब छोड़ेंगे भाई, कब क्या है पता नहीं, देखते आगे जाके जाके ही लगेगा पता। चेक पोस्ट है यहाँ, ये शायद वहां से आगे जाने नहीं देंगे। पुल बहुत बड़ा दोस्तों, दिन को जो यहाँ का नजारा है ना कसम से, वापसी में बताऊंगा आप सभी बोलोगे यार मजा आ गया कसम से। देखो दोस्तों जब हम दारचा पहुंच जाते ना सीनो एंट्री, देखो एक दिन लेह को देते जाने, एक दिन देते हैं अपने पदम वाली साइड को जाने, तो मतलब बहुत ही तगड़ा जाम होता भाई यहाँ, मतलब इसलिए सिंगल लाइन किया था क्योंकि ट्रक वाले ना बहुत ज्यादा आते हैं। तो गाइस अभी अभी पहुंचे हम दारचा में, और यहाँ पर सो रहे भाई थोड़ा ऊपर जैसे आ गए हैं। तो चलो गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पर खत्म करते हैं, कल होगा यहाँ का एपिसोड नंबर 2 जो कि दारचा से पदम का रहेगा। तो चलो गाइस मिलते हैं कल सुबह गुड मॉर्निंग में, बाय बाय। आई होप कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे यार, इंजॉय करो तो लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो दबा के, शेयर कर दो भाई इस वीडियो को दबा के फैला दो, और जिस जिसको ड्राइवर लाइफस्टाइल अच्छा लगता देख रहा ना उन उनको शेयर कर दो भाई दबा के। तो चलो गाइस लव ट्रक भर के, बाय बाय, गुड नाइट यार। मैंने थोड़ा ना ठंडा पी लिया था, बिल्कुल गर्मी गर्मी में धूप धूप में बिल्कुल एकदम चिल्ड, तब थोड़ा गड़ा बैठ गया। बाय बाय, पानी पूनी पीते और सो जाते हैं, गुड नाइट।